हालांकि सरकार हर तरीके से आम लोगों को राहत देने की बात भले ही कर रही हो, लेकिन सायहांपुर की तिलहर विधानसभा से विधायक रोशनलाल वर्मा ने आज प्रशासन के ऊपर कई सवाल खड़े किए हैं। बात की जाए सायहांपुर में कोविड-19 के चलते बने कंट्रोल रूम की, तो वहां पर भी बैठकर सिर्फ खाना पूर्ति ही की जाती है। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि आज एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कंट्रोल रूम के अंदर बैठे कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तिलहर विधानसभा से विधायक रोशनलाल वर्मा ने आज घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों को राहत सामग्री वितरित की। आपको बता दें कि विधायक रोशनलाल वर्मा ने आज तिलहर कस्बे में नेशनल हाईवे पर अन्य राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को आज अपने हाथों से पानी की बोतलें और खाने पीने का सामान वितरित किया। इस दौरान विधायक ने लोगों को घरों तक पहुँचाने के लिए बसों की व्यवस्था भी करवाई। आपको बता दें कि रोशनलाल वर्मा तिलहर विधानसभा से भाजपा विधायक हैं। विधायक रोशनलाल वर्मा ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वाहन नहीं कर रहा है, जिसके चलते बाहर फंसे मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। हालांकि उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बार बार प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त हिदायत दे रहे हैं, उसके बावजूद भी लापरवाही बरती जा रही है। जिले में गेहूं खरीद धीमी रफ्तार से की जा रही है। यहां अभी मात्र 95,858 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद ही की जा सकी है। आपको बता दें कि जनपद में इस बार गेहूं क्रय करने का लक्ष्य 2,73,000 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया था, जिसके लिए अलग अलग एजेंसियों के 173 केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहीं गेहूं खरीद को लेकर कई तरीके की समस्याएं शुरुआत से बनी रही हैं। कई बार केंद्र प्रभारियों को समय पर बारदाना उपलब्ध नहीं हो पाया। जिले में गेहूं खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए जिला अधिकारी ने आज एक कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है। अब किसान गेहूं विक्रय करने में होने वाली किसी भी समस्या पर जिले में स्थापित कंट्रोल रूम पर शिकायत कर सकते हैं। आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते जिले में बनाए गए कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली पर पहले ही सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किसानों के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम से किसानों को कितनी मदद मिल पाएगी। आज सायहांपुर पहुंचे पुलिस उप महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र राजेश कुमार पांडे ने सायहांपुर के थाना क्षेत्र कटरा में आने वाले नेशनल हाईवे पर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान वाहन चालकों को यातायात के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। साथ ही पुलिस उप महानिरीक्षक ने दूसरे प्रदेशों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पुलिस को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रवासी मजदूर को किसी तरीके की कोई असुविधा न हो पाए, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। सिंधौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाए जाने का मामला सामने आया है। यहां स्वास्थ्य केंद्र में लोग खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं और अस्पताल प्रशासन भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण और लंबे लॉकडाउन के चलते व्यक्ति अपने परिवार और देश के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए कल विश्व परिवार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया था कि सभी स्वयंसेवक अपने परिवार के साथ बैठकर रात्रि का भोजन करें, ताकि आपस में सामंजस्य बढ़े। इसी क्रम में RSS के हजारों स्वयंसेवकों और पदाधिकारियों ने कल अपने परिवार के साथ सामूहिक रात्रि भोज किया।